तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग अपने गेम गार्डियन के अंदर क्रैशिंग इश्यूज कैसे फिक्स कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार आप लोग अपने गेम के अंदर गेम गार्डियन से स्कैनिंग करना शुरू करते हो, बट स्कैनिंग आधी होती है या फिर थोड़ी सी होती है और पूरा का पूरा गेम गार्डियन कट हो जाता है। आप लोग उस गेम गार्डियन को चाहे किसी भी पैरेलल स्पेस में चला रहे हो, ज़्यादातर दिक्कतें ये पैरेलल स्पेस वालों के साथ ही आती हैं, जो रूट यूज़र्स हैं उनके साथ ये दिक्कतें मैंने कम देखी हैं। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज़ समझो। सबसे पहले कारण समझ लो कि किस कारण की वजह से तुम्हारा गेम गार्डियन क्रैश हो रहा है। अब आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि गेम गार्डियन जो स्कैनिंग करता है ना, चाहे आप कोई भी स्कैनिंग कर रहे हो, कोई वैल्यू की स्कैन कर रहे हो, एक्सऑर स्कैन कर रहे हो, डीवर्ड स्कैन कर रहे हो, कोई भी स्कैन कर रहे हो, वो जो स्कैन कर रहा होता है और जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, वो रिजल्ट वो रखता कहाँ है तुम्हें पता है? वो रिजल्ट वो रखता है रैम के अंदर। और अगर तुम्हारे फ़ोन के अंदर सफिशियंट रैम नहीं खाली होगी तो तुम्हारा गेम गार्डियन क्रैश होगा। तो ये चीज़ याद रखो, ये जो क्रैशिंग वाली दिक्कत है ना, ये उन्हीं लोगों के साथ आती है ज़्यादातर जिनके फ़ोन के अंदर या तो रैम कम है, या फिर उन लोगों के साथ भी दिक्कत आ सकती है जिनके फ़ोन के अंदर रैम ज़्यादा है, बट रैम ज़्यादा होने के बावजूद गेम गार्डियन को सही से रैम नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? रैम तो ज़्यादा है, तुमने 70 काम और चालू करके रखे हैं फ़ोन के अंदर। हो सकता है कोई बहुत बड़ा गेम स्कैन कर रहे हो जिसकी वजह से गेम गार्डियन को ज़्यादा रैम चाहिए। अब गेम चल रहा है उसमें भी रैम खा रही है, और हो सकता है किसी पैरेलल स्पेस के अंदर गेम चल रहा हो, वो पैरेलल स्पेस भी रैम खा रही है, प्लस अब गेम गार्डियन को भी रैम चाहिए, एंड्रॉयड फ़ोन को भी रैम चाहिए, तो इतनी सारी रैम जाएगी कहाँ? क्रैश ही होगा ना। तो आज का जो मैं मेथड तुम्हें समझाऊंगा, उस मेथड के अंदर मैं ऐसा काम करने वाला हूँ कि गेम गार्डियन अब आपका डेटा जितना भी होगा ना, वो रैम के अंदर नहीं रखेगा, वो सारा डेटा वो इंटरनल स्टोरेज में भेज देगा। जो स्कैन करेगा इंटरनल स्टोरेज में भेज देगा, और जैसे ही तुम्हारी स्कैनिंग खत्म होगी या गेम गार्डियन तुम लोग कट करोगे ना, वो सारा डेटा इंटरनल स्टोरेज से अपने आप डिलीट हो जाएगा और तुम्हारी इंटरनल स्टोरेज बहुत ही आराम से खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है, क्योंकि अब उन लोगों को रैम की कोई चिंता नहीं करनी है, अब उनको सिर्फ चिंता करनी है इंटरनल स्टोरेज की। अगर तुम लोग किसी बड़े गेम को स्कैन कर रहे हो और स्कैनिंग में टाइम लग रहा है, तो तुमको मेक श्योर करना है कि तुम्हारा जो इंटरनल स्टोरेज है वो कम से कम 4-5 GB खाली हो, क्योंकि स्कैनिंग जब होगी ना तो तुम्हारा इंटरनल स्टोरेज भरता जाएगा, और जैसे तुम लोगों ने गेम गार्डियन कट किया, इंटरनल स्टोरेज खाली हो जाएगा। सबसे पहले मैं तुम लोगों को इसका पूरा भाई लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, तब तुम लोगों को ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। तो यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे मैं अपनी मल्टी पैरेलल के अंदर हूँ, और यहाँ पे मैंने गेम गार्डियन को भी इंस्टॉल कर रखा है, और कैंडी क्रश के ऊपर मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सिंपल से गेम गार्डियन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ठीक, अब क्योंकि मेरे फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा रैम नहीं है, मेरे फ़ोन के अंदर सिंपल से 3 GB रैम है, और उसी 3 GB रैम के अंदर मैं सारा काम करूँगा। अभी यहाँ पे देखो इस टाइप का कुछ सेक्शन अगर आया तो सिंपल से इसको इग्नोर मारो और यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, गेम गार्डियन मेरा स्टार्ट हो गया, मैं कैंडी क्रश को भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब मैं भाई समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैंडी क्रश और गेम गार्डियन मेरा फ़ोन झेल कैसे पा रहा है, क्योंकि फ़ोन के अंदर है 3 GB रैम और बहुत सारी रैम भैया फ़ोन के और भी कामों में लगी हुई है। फिर कुछ रैम ये जो पैरेलल स्पेस में चालू कर रखा हूँ इसके अंदर भी जा रही है, फिर कुछ रैम हमारा गेम खाएगा, और अभी स्कैनिंग जब होगी ना तो गेम गार्डियन को सफिशियंट रैम नहीं मिल पाएगी और उसकी वजह से गेम गार्डियन क्रैश होगा। ठीक है, मैं सिंपल से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनका थोड़ा सा ट्यूटोरियल है उसको मैं फॉलो अप कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे एक हम लोगों ने बना दिया, ठीक है, यहाँ पे अभी हमको दूसरा बनाना है। चलो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने दूसरा भी बना दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, गेम गार्डियन से स्कैन करते हैं इस 12 नंबर को। ठीक है, ये जो 12 लिखा हुआ है ना, इसको स्कैन करते हैं, बट क्योंकि मुझे गेम गार्डियन के ऊपर थोड़ा लोड डालना है ना, तभी तो वो भाई क्रैश होगा। तो कैसे क्रैश होगा, लोड डाल के? तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सॉर स्कैन लगाएंगे, क्योंकि यार ये जो एक्सॉर स्कैन होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लोड डालता है रैम के ऊपर, और अगर गेम गार्डियन को सफिशियंट रैम नहीं मिलेगी तो वो क्रैश होगा। सिंपल से मैं क्या करूँगा, 12 लिखूंगा और यहाँ पे टाइप पे क्लिक कर दूंगा, और टाइप पे मैं लगाऊंगा एक्सॉर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इंक्रिप्टेड वैल्यू पे भी टिक कर दिया है ताकि इसके ऊपर और लोड पड़े। ठीक है, जितना ज़्यादा लोड उतना ज़्यादा क्रैश। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, न्यू सर्च कर देंगे, और यहाँ पे आप लोग देखो ये सर्च हो रहा है, और यहाँ पे देखो रुक गया, और ये देखो पूरा ही क्रैश। क्यों हो गया पूरा क्रैश? क्योंकि भाई यहाँ पे गेम गार्डियन और भाई ये जो पैरेलल स्पेस था ना, इसको सही तरीके से रैम नहीं मिल पाई। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ये इस टाइप से कुछ आ गया है। ये दिक्कत ज़्यादातर इसी वजह से होती है क्योंकि रैम नहीं मिल पा रही है। अभी हम लोग इसको फिक्स कैसे करेंगे, सिंपल से मैंने वापस से गेम गार्डियन को ओपन किया है।
ठीक है, सब कुछ देखो दोबारा से हो रहा है, इसका कोई भी डेटा रैम के अंदर अब रह नहीं गया क्योंकि क्रैशिंग हो गई तो सब डेटा गायब। अभी इस टाइप का कुछ आ गया है, तो हम लोगों को सिंपल से जब ऐसा कुछ दिखे तो इग्नोर करना है, इग्नोर करने के बाद क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, मैंने गेम गार्डियन को दोबारा से स्टार्ट किया, सिंपल से मैं इसको क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद अभी मैं कुछ सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपल से क्या करूंगा, यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन दे रखा है कि अगर आपका जो डेटा है ना वो आपको रैम में नहीं रखना तो मत रखो, वो डेटा इंटरनल स्टोरेज में ट्रांसफ़र होगा। आपको क्या करना है, डेटा इन रैम के ऊपर यस से नो कर देना है। जैसे ही नो करोगे ना, आपका जो भी डेटा होगा, जो भी स्कैनिंग हो रही होगी, वो सारा डेटा आपका इंटरनल स्टोरेज में जाके रखा जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे नो कर दिया है, और नो करने के बाद सबसे पहले मैं आपको अपनी इंटरनल स्टोरेज दिखा दे रहा हूँ कि मेरी इंटरनल स्टोरेज इस वक्त है कितनी, ताकि आपको समझ में आता रहे कि भैया वाकई में इंटरनल स्टोरेज में डेटा भर भी रहा है या नहीं भर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी इंटरनल स्टोरेज में 1.46, ठीक है, 1GB 460MB खाली है। याद रखना, अभी खाली गेम गार्डन को स्टार्ट किया है, इतनी जगह खाली है, बट जैसे मैं स्कैनिंग करूँगा ना, अब आपका जो डेटा होगा ना वो भैया रैम के अंदर नहीं जाएगा, वो जाएगा इंटरनल स्टोरेज में। ध्यान से देखना कैसे होगा, मैं सिंपल से क्या करता हूँ, वापस से चला जाता हूँ अपने पैरेलल स्पेस के अंदर, और यहाँ से कैंडी क्रश को ओपन करता हूँ। अब तुम लोग यहीं पे बहुत गौर से देखना, बहुत ध्यान से देखना कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे जो सारा का सारा डेटा होगा ना वो मेरा इंटरनल स्टोरेज में सेव होगा, और अगर इंटरनल स्टोरेज तुम्हारी भरी तो वापस से क्रैश होगा। इसीलिए मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ कि इंटरनल स्टोरेज भी खाली रखना, ये नहीं कि सिर्फ 1-2 GB खाली है, इतनी खाली रखना कि जो आपकी स्कैनिंग है वो ढंग से हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वापस से हम लोग ट्यूटोरियल को फॉलो कर लेते हैं, ये एक हो गया, और यहाँ पे ये दूसरे ट्यूटोरियल को हम लोगों ने फॉलो किया ख़त्म, और यहाँ से हम लोग वापस से स्कैन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि 12 है, मैंने सिंपल से गेम गार्डन के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ से कैंडी क्रश के ऊपर सेलेक्ट किया, और यहाँ स्कैन पे गया, और यहाँ पे गया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा 12। ठीक है, यहाँ मैंने 12 किया, और टाइप पे हम लोग कौन सा रखेंगे, एक्सॉर, क्यों, क्योंकि हमें लोड डालना है। ठीक है, यहाँ पे इनक्रिप्टेड लगा दिया मैंने, और न्यू सर्च करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखो स्कैनिंग हो रही है ना, अभी यहाँ पे कट गया था, बट यहाँ पे देखो इस वक्त कट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं कट हो रहा है, क्योंकि भाई जो हमारा पूरा डेटा है ना वो अब रैम के अंदर नहीं जाएगा। रैम के अंदर जब डेटा जाता है ना तो स्कैनिंग थोड़ी फास्ट होती है, बट अब ये डेटा हमारा इंटरनल स्टोरेज में जाएगा, इस वजह से यहाँ पे देखो कोई भी कट पेस्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इंटरनल स्टोरेज हमारी भरेगी। ध्यान से देखना, जितना ज़्यादा ये स्कैन होगा, अभी इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, जितना ज़्यादा ये स्कैन होगा उतना इंटरनल स्टोरेज पे लोड पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा बैक करके आपको इंटरनल स्टोरेज की हालत दिखाता हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे आ गया हूँ, और मैंने इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक किया, 1.46 GB है ना अभी। अभी इसको मैं बैक करता हूँ, वापस से खोलता हूँ। यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे जैसे ही मैंने इसको वापस से खोला 540 MB हो गई। ठीक है, अभी मैं वापस से इसको बैक कर लेता हूँ, और स्कैनिंग हो गई है, वापस से मैंने इसको खोला, यहाँ पे देख सकते हो 242 MB। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारा का सारा डेटा इंटरनल स्टोरेज में घुसा जा रहा है। और इसको आप लोग फ्री कैसे कर सकते हो, अभी देखो यहाँ पे क्रैश नहीं हुआ, और मेरा मेन मोटिव भी यही था कि गेम गार्डियन चलता रहे, क्रैश ना हो। और यहाँ पे अगर आपको डेटा फ्री करना है ना, तो आपको सिंपल से जानते हो क्या करना है, गेम गार्डियन को कट कर देना है, या पूरे पैरेलल स्पेस को कट कर देना है, सब कुछ ख़त्म। अभी यहाँ पे देख पाओगे, अब अगली स्कैनिंग अगर मुझे करनी होगी तो मुझे और ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज होगी तभी सही से स्कैनिंग भी हो पाएगी। तो मेक श्योर करना कि अगर रैम नहीं है ज़्यादा तो इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा रखो। अभी ध्यान से देखो मैं अपनी इंटरनल स्टोरेज को फ्री कैसे करता हूँ, मैंने सिंपल से क्या किया, पूरे गेम गार्डियन और पैरेलल स्पेस को मैं कट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टॉप मैं जैसे ही करता हूँ, गेम गार्डियन कट, पैरेलल स्पेस कट, और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मेरी पूरी की पूरी इंटरनल स्टोरेज वापस आ गई है। आई होप सो कि इतना डीप डाउन एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर भाई तुम्हें ये मेरी मेहनत पसंद आई, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, तो प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के तुम लोगों से निवेदन करता हूँ, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी गेम गार्डन की वीडियोस पड़ी हैं, लकी पैचर की वीडियोस पड़ी हैं, और भी बहुत सारी कमाल की वीडियोस पड़ी हैं। आई होप सो कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ,
तो प्लीज आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।